पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, मैं वेद सिंह। आज खेल समझिए में आज हम बाबा से समझेंगे कि लालू पर भारी पड़े नीतीश, सूद समेत अगला पिछला सारा हिसाब किताब नक्की। तो अब हम सीधे बाबा से जुड़ते हैं और बाबा से ही इसके पीछे की बात को जानेंगे। बाबा, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि लालू पर भारी पड़े नीतीश जी। जितना आसानी से आपने कह दिया उतना आसान है कहाँ जी। बहुत पुरानी कहानी है और इस कहानी को सुनने का धैर्य भी चाहिए जी, क्योंकि एक तरफ जब ये खबर चल रही होगी तो दूसरी तरफ लोग लाइन लगा करके वोटिंग कर रहे होंगे जी। हम इस खबर को इसलिए लेकर के सामने आए हैं जी कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ये दो ऐसे धुरी हैं जी जो बिहार की राजनीति में इतना गहरा पैठ बनाए हुए हैं कि आप जितना भी उसको कबाड़ते जाइएगा ना, एक न एक सोती उसका बच जाएगा और फिर से पनप जाएगा जी। फिनिक्स का नाम सुने होंगे आप लोग जी, उसी तरह का है, उसी पक्षी की तरह है कि जिसको ख़त्म भी कर दिए, कुछ भी कर दिए तो फिर भी वो पैदा हो जाता है। बिल्कुल उसी अनुसार एक जड़ एक लतर जमा रह जाता है जी। और यही कारण है कि दोनों बिहार और देश की राजनीति में अपना एक अलग महत्व रखते हैं जी। लालू प्रसाद चारा घोटाले की बात आप कर लीजिए, 15 साल के शासन में आप जितना भी उनको कोस लीजिए, ये था जंगल राज था, ऐसे था, वैसे था, लेकिन 15 साल लोगों ने उनको जब सत्ता में रखा जी तो कुछ तो विशेषता होगी। बिल्कुल, अगर मान लेते हैं कि इस बिहार में अभी 14 करोड़ के आसपास की आबादी है जी, इस 14 करोड़ में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको गलती पसंद है जी, जो क्राइम करते हों, वसूली करते हों, अपहरण करते हों, कुछ ही लोग ऐसे होंगे, एक अलग मानसिकता के, अलग मानसिकता। लेकिन क्या पूरे बिहार को आप इसके लिए थोप सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि किसी खास माने 1,000, 2,000, 10,000 लोगों ने वोट नहीं किया जी। लालू प्रसाद के वोट करने वालों का एक बड़ा हुजूम था जो जिन्न की तरह बाहर आता था। बिल्कुल, और लालू प्रसाद कहते थे कि देखिएगा ना, जब बैलेट बॉक्स खुलेगा तो उसमें से जिन्न निकलेगा, और वास्तव में जिन्न निकलता था जी। ये परंपरा 15 सालों तक चली, 3 चुनाव तक लगातार ट्रेंड करते रहे। हालांकि 2000 की बात करें तो 2000 में थोड़ा सा 19-20 हुआ था जी, ऐसा लगा था डगमगा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी राबड़ी देवी की बन गई जी। लेकिन इस कहानी को यदि 1990 या 70 के दशक से लेकर के शुरू करते हैं, जब ये छात्र राजनीति में दोनों थे जी, तो आज तक आपने लालू प्रसाद से ये सुना होगा कि सुशील मोदी कौन था? मेरा क्लर्क था जी, मेरा फाइल्ड होता था जी। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में आप नहीं सुने होइएगा ना कि उनका फाइल्ड होते थे जी। ये दोनों दो धुरी थे। नीतीश कुमार जहाँ पढ़े लिखे, हालांकि लालू प्रसाद ने भी बाद में LLB की वगैरह किया, वो भी पढ़े लिखे की कैटेगरी में आते हैं जी। कभी किसी चैनल पर उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला था। बिल्कुल, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जब 90 के दशक से हम चलते हैं, हम उनके छात्र जीवन से आगे बढ़ जाते हैं जी, 90 के दशक से जब हम चलते हैं तो 90 के दशक में सिंपल सी बात थी कि मुख्यमंत्री बनाने में लालू प्रसाद को एक बड़ी भूमिका निभाया था नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या नहीं किया था? सबसे पहले तो उनको नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए उन्होंने एक बड़ा गेम प्लान रचा था जी। उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनाया, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि जब मुख्यमंत्री बनवाया तो उन्होंने तर्क दिया था कि जो जातीय समीकरण है जी, उस समीकरण में लालू प्रसाद 14% अकेले हैं जी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 86% लोग जो हैं अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन आप जानते हैं कि कुनबे में अगर एकजुट कोई हो और बड़ा दायरा हो जिसमें लोग बटे हुए हों तो मजबूत पड़ता है वो कुनबा वाला। बिल्कुल, लालू प्रसाद इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए और सभी लोगों ने नीतीश कुमार का ये सोशल इंजीनियरिंग समझा जी। उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री कुर्सी बैठाया और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में एक संविदा हुई थी कि दोनों मिल करके शासन चलाएंगे जी। लेकिन अचानक से मात्र 4 साल में इन दोनों का जो संबंध था वो दूर हो गया जी। लालू प्रसाद करने क्या लगे कि नीतीश कुमार कहते थे कि इनका ट्रांसफर कर दीजिए, इनका पोस्टिंग कर दीजिए, तो करवे नहीं करते थे जी। और यादवों को जो आरोप लगता है जी, नीतीश कुमार और उनके सहयोगी जो हैं आरोप लगाते हैं कि उन्होंने यादवों को मुख्य पदों पर रख करके और अपना एम्पायर बनाने का प्रयास शुरू किया और दावे के साथ कहते थे लालू प्रसाद कि मैं 20 साल तक सत्ता में रहूंगा, कोई हिला नहीं सकता है जी। आज
उनके कहे गए वादे पर वो 15 साल में 5 साल पीछे रह गए, लेकिन नीतीश कुमार ने 20 साल लालू प्रसाद कहे और 20 साल पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है जी। लगभग 18 साल से ज्यादा उनका हो गया, जो हर मंच से वो कहते हैं कि 18 साल से हम सत्ता में हैं जी। 1990 से जब आगे बढ़ते हैं तो 1994 में अपनी पार्टी बनाया और वहां से एक नई कहानी शुरू हुई जी। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दो धुरी हो गए। इस बीच में एक लौकु सम्मेलन हुआ था जी। उस लौकु सम्मेलन में सतीश कुमार ने उस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया था और नीतीश कुमार को वहीं से नेता लौकुस का बना दिया गया जी। बेटी और रोटी का संबंध हुआ और नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद की तरह 8-9% वोट का मालिक बन बैठे। उसके बाद समता पार्टी बनी और समता पार्टी जब बनी तो नीतीश कुमार ने अपने राजनीति की शुरुआत फिर से की, एकदम फ्रेश राजनीति की शुरुआत की और केंद्र की राजनीति में उनका झुकाव हुआ जी। यही वो मौका था जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के करीब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना एक संगठन बना लिया जी। एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप में और कई दल शामिल हुए और यहाँ से एक नई शुरुआत हुई जिसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई। इसी कहानी का एक अंश था, एक हिस्सा था जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो प्रधानमंत्री बने जी। और प्रधानमंत्री बने तो नीतीश कुमार उनके कैबिनेट में शामिल हुए जी। इसके बाद की कहानी फिर से आगे बढ़ती है और इस कहानी को वहीं अगर ड्रॉप कर दें तो आगे 2014 से हम शुरू करते हैं जी। एक नया एरा था, सब कुछ फ्रेश था। इस बीच में नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में भी आ गए थे जी। लालू प्रसाद का राज को जंगल राज भी कहा और लालू प्रसाद से जो बदला था, जो हिसाब किताब था, उन्होंने सबसे पहले 2005 में वसूल कर लिया। बिल्कुल। अब यहाँ से जो बाकी का जो उनका था, उनको मुख्यमंत्री बनाने से लेकर के 15 साल के शासन का वो हिसाब किताब बराबर करना था जी। उस हिसाब किताब को बराबर करने के लिए उन्होंने 2005 के बाद 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद को लगभग समाप्त कर दिया। लालू प्रसाद पूरा फैमिली लेकर के दिल्ली में बस गए थे जी। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं रह गया था कि वो बिहार में करें जी। लेकिन धीरे धीरे करके लालू प्रसाद ने अपने आप को, चूंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि दोनों उस फिनिक्स की तरह है जो पनप जाते हैं, जो सुर रह जाता है, लालू प्रसाद भी धीरे धीरे शुरू हुए और 2010 का दंश जो झेला वो अपनी शक्ति बढ़ाते बढ़ाते अचानक से एक मौका आया और 2013 में नीतीश कुमार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी से टूटे जी। और टूटे तो उनके लिए सहारा बने लालू प्रसाद। लालू प्रसाद, लालू प्रसाद ने बिना किसी जो उनका तरीका था, बिना कुछ कहे बिना शर्त के नीतीश कुमार का समर्थन किया और नीतीश कुमार 2013 में मुख्यमंत्री का एक बार फिर से शपथ लिए भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के। और ये दोस्ती आगे बढ़ते बढ़ते 2014 तक आई। 2014 में एक और हिसाब किताब लालू प्रसाद से नीतीश कुमार को वसूलना था जी। और ये हिसाब किताब था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन पूरे गठबंधन ने उनको प्रोजेक्ट नहीं किया और दोनों अलग अलग चुनाव लड़े। उसका नतीजा आपको पता है कि क्या हुआ जी। ये एक हिसाब था जो लालू प्रसाद को वसूल करना था। 2015 में उसी लालू प्रसाद ने, जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट नहीं कर रहे थे जी, मुख्यमंत्री के लिए वही घूम घूम करके 2015 में नीतीश कुमार के लिए किए। यहाँ भी एक हिसाब किताब उन्होंने बराबर किया जी। इसके बाद की कहानी शुरू होती है और यहाँ से जब सरकार बन गई महागठबंधन की तो लालू प्रसाद डोमिनेट करने लगे, जैसी आदत उनकी थी जी। अपने आदत के हिसाब से नीतीश कुमार पर दबाव बनाने, दबाव बनाए। और नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करते नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी को तो 24 घंटा अपने खूंटे में बांध के रखते हैं जी, तो लालू का कैसे बर्दाश्त कर ले। बिल्कुल। नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया था और भाजपा को भी तब तक समझ में आ गया था कि नीतीश कुमार के बिना सत्ता में बने रहना असंभव है। बिल्कुल। 2015 का ये दोस्ती 2017 में टूट गया और यहाँ एक बार फिर से लालू प्रसाद से उन्होंने हिसाब किताब वसूल कर लिया जी। जो 2014 वाला था, 2015 वाला था, दोनों हिसाब किताब वसूल कर लिया जी। इसके बाद कहानी 2015 से 17 तक आई और 17 से 19 में एक बार फिर से चुनाव आया लोकसभा का। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिक पाई उनकी पूरी टीम और बाहर हो गए। यहाँ भी नीतीश कुमार ने उनसे जो 2014 वाला था, जिसके चलते उनकी सीटें दो ही तक सीमित हो गई थी, वो वसूल किया और 16 सीट जीत करके आए। इसके बाद की कहानी 2020 में आई है जी। 2020 में जो कुछ भी हुआ आपने देखा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए और यहाँ भी एक हिसाब किताब उन्होंने बराबर किया जी। लेकिन 2022 में अचानक से नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में दूसरी बार आते हैं और यहाँ उनको बहुत सारे हिसाब किताब बराबर करने थे जी। नीतीश कुमार जो इतने दिनों तक जो भी काम किए थे उस काम का उनको श्रेय लेना था और तेजस्वी यादव के साथ आते उनको श्रेय मिलना शुरू हो गया जी। तेजस्वी यादव ने जो रोजगार की बात की थी, अन्य बातें की थी, उन सारी बातों को मिला जुला करके
17 महीने सरकार चली, लेकिन तब जिस तरह से 2017 में नीतीश कुमार ने यह समझ लिया था कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में नहीं जुड़ते हैं तो फिर से 2014 वाली हालत होगी और वहाँ 2 से 3 सीटों पर सिमटना पड़ेगा। उन्होंने फिर से एक बार अपना वही काम किया और 2022 में 2024 से 24 तक अपना जुड़े रहे और 24 के जनवरी में 28 जनवरी को उन्होंने फिर से एक बार अपना पासा पलटा। और यहाँ पासा पलटने के बाद जो वर्तमान परिस्थिति है सब आप देख रहे होंगे और अगला पिछला सारा हिसाब सूद समेत लालू प्रसाद से नीतीश कुमार ने वसूल किया। और अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है आप देख रहे होंगे कि 2 राउंड के जो वोटिंग हो गए हैं, तीसरे राउंड का होना है जब आप एक खबर देख रहे होंगे, हमारी जनता देख रही होगी, वोटिंग स्टार्ट हो चुका होगा और लालू प्रसाद से अपना पूरा हिसाब किताब यहाँ तक कि एक बार फिर से उन्होंने 2005 से पहले के बिहार और सरकार की चर्चा की जो कि आज 17 वर्षों के बाद इसका कोई महत्व नहीं था, चर्चा कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन बेस्ट पॉइंट वही है और लालू प्रसाद से आज भी वो हिसाब किताब बराबर ही कर रहे हैं और इसी हिसाब किताब को बराबर करने के लिए, उसका सूद समेत वसूल करने के लिए वो एक बार फिर से एनडीए के साथ हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 तारीख को खुलेगा ईवीएम का पिटारा तो उसमें से जिन निकलता है जी कि फिर क्या निकलता है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि बाबा ने खेल समझिए में कितने अच्छे तरह से समझाया कि नीतीश कुमार जी किस तरह से लालू प्रसाद के बीच में जो मतलब सहमति थी फिर टूटे फिर जुटे उसके बारे में बाबा ने कितने अच्छे तरीके से बताया, लेकिन अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 4 जून का क्योंकि 4 जून को ही फाइनल रिजल्ट हमारे सामने नजर आएगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।